नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी जल्द आ सकती है। अगस्त के पहले सप्ताह में अयोध्या आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब राम मंदिर निर्माण शुरू होने की शुभ घड़ी आने वाली है। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 या 5 अगस्त को अयोध्या आ सकते हैं। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी ट्रस्टी, शीर्ष संत धर्माचार्य समेत संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत तमाम शीर्ष लोगों के आने का कार्यक्रम तय हो सकता है। इसकी विस्तृत रूपरेखा के साथ घोषणा ट्रस्ट की 18 जुलाई की बैठक में हो सकती है। यूपी में 16 से 31 जुलाई तक नहीं लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन, सरकार ने कहा पूर्व आदेश ही रहेंगे लागू। उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई तक वीकेंड लॉकडाउन ही लागू रहेगा। प्रदेश में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने की बातों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन करने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर अपर मुख्य सचिव गृह ने स्पष्टीकरण दिया है। 6 IAS अफसरों के हुए तबादले, झांसी और आगरा के नगर आयुक्त हटाए गए। उत्तर प्रदेश शासन ने 6 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें झांसी के नगर आयुक्त मनोज कुमार को पद से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। वहीं अवनीश कुमार राय को नगर आयुक्त झांसी बनाया गया है। इसके अलावा नगर आयुक्त आगरा अरुण प्रकाश को हटाकर विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बनाया गया है। अब निखिल टीकाराम पुंडे नगर आयुक्त आगरा बनाए गए हैं। वहीं शैलेश कुमार को CDO झांसी बनाया गया है। वहीं कुमार हर्ष को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट चंदौली से CDO श्रावस्ती बनाया गया है। भगवान श्री राम पर विवादित बयान देकर अपने ही देश में घिरे नेपाल के PM KP शर्मा ओली। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के भगवान श्री राम पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब उनका विरोध उनके देश में भी शुरू हो गया है। नेपाल की आम जनता के साथ साथ वहां के जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री ओली के बयान की निंदा कर रहे हैं। नेपाल के पूर्व उप मुख्यमंत्री उपेंद्र यादव ने PM ओली पर हमला करते हुए कहा कि मित्र राष्ट्र भारत के साथ जो हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, जरा सा भी ख्याल न रखते हुए यह बयान दिया गया है। ओली ने चितवन के ठोड़ी गाँव को असली अयोध्या बताकर भगवान श्री राम का जन्म यही हुआ था जो बयान दिया है वो गलत है। मिथिला और अयोध्या का धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक संबंध भी रहा है। प्राचीन काल में अयोध्या से बारात मिथिला आई थी और यहां पर सीता जी से विवाह हुआ था। नेपाल में अयोध्या होने की बात जो KP शर्मा ओली ने कही है वो पूरी तरह से गलत है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद गिरा क्राइम ग्राफ, जारी हुआ डाटा। राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद शहर में हर तरह के क्राइम ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस कमिश्नरेट के 6 महीने पूरे होने पर विभाग की ओर से तुलनात्मक क्राइम डाटा जारी किया गया है। इसमें 14 जनवरी से 14 जुलाई के बीच हुए अपराध की तुलना 2018 और 2019 के साथ की गई है। आंकड़ों के मुताबिक पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद राजधानी में अपराध में भारी कमी आई है। गाजियाबाद, गबन के आरोपी इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान को मिली जमानत। गाजियाबाद में पुलिस रेड के दौरान सीज किए गए 67 लाख रुपए के गबन के आरोपी इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान समेत 4 पुलिस वालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि लक्ष्मी सिंह चौहान की पिछले दिनों हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। अखाड़ा परिषद ने PM ओली का जताया विरोध, कहा चीन के बहकावे में आ रहा नेपाल। साधु संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के उस बयान पर कड़ा विरोध जताया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नयन गिरी ने कहा है अयोध्या भारत में ही है और उत्तर प्रदेश में है, इसको लेकर हमारे पास प्रमाण भी मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेपाल चीन के हाथों खेल रहा है और भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। साथ ही कहा है कि नेपाल के नागरिकों का यह दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। CM आवास और गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में होंगे बड़े बदलाव, नए प्लान पर काम शुरू।
गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता होगी। मंदिर परिसर में सीसी कैमरे के साथ ही मोबाइल वॉच टावर और बैरियर भी बढ़ाए जाएंगे। मंगलवार को पुलिस लाइन में सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। CISF ने सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों जो प्लान तैयार किया था, अफसरों ने उस पर विचार करने के बाद मुहर लगा दी है। CISF ने 6 महीने पहले गोरखनाथ मंदिर के साथ ही परिसर में स्थित मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की थी। प्रेमिका से मिलने युवक को कमरे में किया बंद। सिरौली इलाके में धनोरा गांव के युवक के पड़ोस के गांव खड़गपुर की एक लड़की से संबंध है, जिसको लेकर युवक बुलेट मोटरसाइकिल से दिन में कई बार गांव की गलियों में चक्कर लगाता है। सोमवार की शाम युवक बुलेट से पहुंचा और गांव के बाहर लड़की के साथ देखकर ग्रामीणों ने युवक को कमरे में बंद कर दिया। इसकी सूचना पर युवक के परिजन भी गांव पहुंचे। मामले में दोनों तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। अलीगढ़ थाने में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 17 नामजद सहित 100 अज्ञात पर मुकदमा। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को वार्ड 66 के पार्षद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर क्वारसी थाने का घेराव किया। थाने में प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत 16 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लेकर टिप्पणी कर दी थी। प्रियंका गांधी तक पहुंचा बेघर हुए पूर्व विधायक का मामला, मिला हर संभव मदद का भरोसा। गोरखपुर के मनीराम विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे हरद्वार पांडे का खपरेल का इकलौता मकान बारिश में गिरने के बाद मंगलवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, मनीराम स्थित खपरेल के मकान का एक हिस्सा गिरने के बाद विधायक के सामने बेघर होने जैसी स्थिति है। जिलाध्यक्ष ने पूर्व विधायक को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जिलाध्यक्ष ने पूरे प्रकरण को प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के संज्ञान में ला दिया है। छात्रों के मोबाइल लैपटॉप का डाटा हो रहा तैयार। ऑनलाइन पढ़ाई का मास्टर प्लान बना रही सरकार। लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक विद्यालयों के 4.5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन पढ़ाई किस माध्यम से की है, अब शासन की ओर से इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई पहले व्हाट्सएप एवं बाद में दूरदर्शन के माध्यम से कराई जा रही है। भविष्य में भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहने की संभावना को देखते हुए अब जाँच की जा रही है कि कितने छात्रों ने दूरदर्शन और कितने छात्रों ने व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई की है। 42,000 करदाताओं को बड़ी राहत, 5 साल पुराना रिफंड भी मिलेगा। आयकर विभाग ने करदाताओं को एक बड़ी राहत दी है। ई रिटर्न भरने के बाद वेरिफिकेशन के लिए जरूरी ITR भी नहीं भरने वाले करदाताओं को एक अवसर दिया गया है। 5 साल पुराने रिटर्न में भी ये गलतियां करने वाले करदाता इसे दूर कर सकते हैं, यानी उनका बरसों से फंसा हुआ रिफंड भी मिल जाएगा। इस राहत का फायदा कानपुर शहर के 42,000 करदाताओं को होगा। वाराणसी के सेवापुरी की सिल्क फैक्ट्री फिर से शुरू होगी, 18 साल से है बंद। वाराणसी में सेवापुरी सिल्क फैक्ट्री आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा वरदान साबित होगी। इसे दोबारा शुरू कराया जाएगा, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। DM कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को फैक्ट्री की देखभाल करने वाली संस्था सघन क्षेत्र विकास समिति के लोगों से बातचीत कर पूरा विवरण तलब किया है। अब कोरोना का हो रहा लॉकडाउन खुश कर रही है यह गुड न्यूज। भारत में रिकवर हो चुके मरीजों की संख्या सक्रिय मरीजों से 1.8 गुना ज्यादा हो गई है। इसका मतलब यह है कि नए केसेज के मुकाबले ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या कहीं ज्यादा है, जो कि सच में एक गुड न्यूज है, लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अखिलेश का निशाना, BJP सरकार की नैतिकता का हो गया अपहरण। अखिलेश ने कानपुर किडनैपिंग केस को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है यूपी में BJP सरकार की नैतिकता का ही अपहरण हो गया है। कानपुर से लैब टेक्नीशियन के अपहरण के मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अब फसल बीमा के लिए बाध्य नहीं करेगा बैंक, किसान करेंगे फैसला। वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक फसल बीमा के लिए किसानों को बाध्य नहीं करेंगे, बल्कि किसान फैसला लेंगे कि उसे बीमा कराना है अथवा नहीं। फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक का समय निर्धारण किया गया है। जो किसान बीमा नहीं कराना चाहते उन्हें अपने बैंक शाखा को 24 जुलाई तक सूचित करना होगा, जो कि वाकई एक गुड न्यूज है, अच्छी खबर है किसान भाइयों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर भी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। पूर्व CM अखिलेश के किए गए वादों को CM योगी करेंगे पूरा।
अखिलेश यादव द्वारा आजमगढ़ में जनता से किए गए वादे को सीएम योगी ने पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। विश्वविद्यालय के लिए कम पड़ रही भूमि खरीदने के लिए शासन ने 11,62,00,000 रुपए की मंजूरी मिल गई है। वहीं विश्वविद्यालय का भवन तैयार करने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई है। किताबों के शौकीनों को विधायक अदिति सिंह का तोहफा। रायबरेली से सदर विधायक अदिति सिंह ने एक नई सोच रखते हुए जिले की जनता को और स्टूडेंट को पढ़ाई का एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। अदिति ने शहर में राजकीय जिला पुस्तकालय को गोद लेने का फैसला किया है। इसकी घोषणा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए की है। फीस नहीं तो पढ़ाई नहीं, 20 दिन से ऑनलाइन क्लास से दूर हैं बच्चे, कोई एक्शन नहीं। एलन हाउस स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रही फीस का विवाद जारी है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि जिन बच्चों की फीस नहीं जमा है उन्हें ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक नहीं भेजे जा रहे हैं। गाजियाबाद में एलन हाउस स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रहा फीस का विवाद अब तक नहीं सुलझा है। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहा है, उनके बच्चों का ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक नहीं भेजे जा रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटाए हुए 20 दिन हो गए हैं। UPPSC का इंटरव्यू शुरू, अभ्यर्थियों से COVID-19 और विकास दुबे पर सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC में बुधवार से इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। इस बार इंटरव्यू में COVID-19 लॉकडाउन के साथ ही हाल ही में हुए कानपुर में विकास दुबे से जुड़े सवाल अभ्यर्थियों से पूछे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों से COVID-19 को लेकर इंटरव्यू में पूछा गया कि योगी सरकार की कोविड को लेकर क्या स्ट्रेटजी है, इसके साथ ही लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 हॉस्पिटल क्या है। अभ्यर्थियों से PCS के इंटरव्यू में कानपुर विकास दुबे को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि मुठभेड़ क्या होती है, पुलिस ने गोली क्यों चलाई। भारत के साथ चीन और नेपाल के संबंधों पर भी सवाल पूछे गए। अभ्यर्थियों के मुताबिक इंटरव्यू में ज्यादातर एनालिटिकल सवाल ही पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत चीन और नेपाल के साथ संबंधों पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम पर बनी बायोपिक मैं मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर जारी, 2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जीवन पर बन रही फिल्म मैं मुलायम सिंह यादव का ट्रेलर रिलीज हो गया है। हाल ही में इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था। यह फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। बता दें कि फिल्म मैं मुलायम सिंह यादव में अमित सेठी, मिमोह चक्रवर्ती, गोविंद नामदेव, मुकेश तिवारी, जरीना बहाव और सुप्रिया कार्णिक नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन सुरवेंदु राजघोष ने किया है। डीजल में फिर लगी आग, नई ऊंचाई पर पहुंची कीमत। तमाम विरोध और आलोचनाओं के बावजूद डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने इस बार डीजल की कीमत में 13 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 81.18 रुपए पर पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको यहां बता दें कि दिल्ली देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा है। घाघरा का जल स्तर घटा पर खतरे के निशान के बराबर, बाढ़ का संकट। विगत कई दिनों से खतरे के निशान के करीब 61 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही घाघरा का जल स्तर बुधवार को घटकर खतरे के निशान के बराबर आ गया है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि सरयू, शारदा व गिरजा बैराजों का डिस्चार्ज भी घट चुका है, जिससे आने वाले दिनों में घाघरा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मंगलवार को बढ़े जलस्तर से नदी की तलहटी वाले गांव में पानी भर चुका है, जिससे बांसगांव, बम्बमपुरवा, माझा रायपुर, नखारा, बेहटा सहित तमाम गांव के मजरे व सैकड़ों बीघा फसलें घाघरा की बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गई हैं। बाराबंकी व गोंडा प्रशासन द्वारा इन गाँव के मजरों में नाव लगाने के साथ अन्य आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। और अब एक नज़र उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर। यूपी के 16 जिलों में हो सकती है बारिश, देखें अपने जिले का नाम। लखनऊ मौसम विभाग ने मौसम को लेकर ताज़ा अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा बुंदेलखंड के ललितपुर में भी हल्की बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जिन जिलों में बारिश हो सकती है उनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बिजनौर, मेरठ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, शाहजहांपुर,
और ललितपुर का नाम शामिल है। प्रदेश के बाकी हिस्सों में धूप और बादल का सिलसिला चलता रहेगा। कुछ और जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। 18 जुलाई से पूरे प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की सक्रियता अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।